लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। तो अगर आपकी फेस शेप डायमंड या स्क्वायर है तो आपको करवाना है हाई फेड। हाई फेड का मतलब है कि नीचे जहां से सबसे छोटे आपके बाल शुरू हो रहे हैं वो ट्रिमर का नंबर एक के करीब होना चाहिए, एक या दो के बीच में भी हो सकता है, और ऊपर जाते जाते और बड़ा हो जाए यार, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका फेस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से पता चले और फेस एक डब्बा ना लगे। और अगर आपका फेस शेप ऑब्लॉन्ग या फिर ट्रायंगुलर है तो फिर आपको करवाना है लो फेड, मतलब कि तीन की सेटिंग के करीब से, तीन चार की सेटिंग की करीब से शुरू हो यहाँ से नीचे से और ऊपर जाते जाते और बढ़ाओ। अब इसमें हम यहाँ पे बाल थोड़े से ज्यादा लंबे इसलिए रख रहे हैं ताकि आपका फेस ज्यादा पतला ना लगे। और यार प्लीज ध्यान देना कि आपका जो फेड है ना वो ग्रेजुअल हो। ग्रेजुअल का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि पहले नीचे के कुछ बाल एकदम छोटे फिर एकदम से यहाँ थोड़े से और लंबे, ऐसे नहीं, एक एक सेक्शन करके ना हो, पूरा साथ में एकदम लंबे हो। साइड्स और नीचे के बाल हो गए, अब आते हैं क्राउन एरिया पे। अब ये करवाने के आपके पास ना दो तरीके हैं, या तो आगे के बाल 2 से 3 इंच लंबे और पीछे जाते जाते 1 से 2 इंच लंबे हो जाए, या फिर आगे के बाल 1 से 1.5 इंच लंबे और पीछे जाते जाते ऑलमोस्ट 1 इंच तक हो जाए। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पसंद क्या है, आप कितने छोटे करवाना चाहते हैं। अब ये जो आपने साइड के, पीछे के और यहाँ के बाल कटवा लिए हैं, इनसे हेयर स्टाइल बनाने के लिए तीन चीजें कंसिडर करनी है। पहला फेस की शेप, जो कि हो सकता है स्क्वायर, डायमंड, ट्रायंगल, राउंड, ऑब्लॉन्ग। दूसरा हेयर का टाइप, जो कि हो सकता है स्ट्रेट, वेवी या कर्ली। और तीसरा आप क्यों बना रहे हो, आपका रीजन क्या है, कहां बना के जाना है आपको हेयर स्टाइल। अब जैसे लाइफ का एक जनरल रूल होता है कि हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, एक मिनट ये तो फिलोसफी टाइप लगना शुरू हो गया, नहीं मतलब सब चीज बैलेंस होने से मेरा मतलब है कि आपके हेयर स्टाइल्स में भी अगर आपके फेस पे बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि आपकी जॉ लाइन है, आपका फेस का शेप स्क्वायर है, डायमंड है, या आपका नोज पॉइंटी है, थोड़ा सा डेफिनेशन है आपके फेस में, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, तब आपको अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहिए, जैसे कि साइड पार्ट वगैरह। और अगर आपका फेस राउंड है, ऑब्लॉन्ग है, ओवल टाइप ये सब है, तो आप थोड़े से स्पाइकी टाइप के बाल रख सकते हो जिनमें स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। यार अगर आपकी ऑलरेडी जॉ लाइन है, पॉइंटी नोज है, फीचर्स हैं, और तब आप अगर स्पाइक्स जैसा कोई हेयर स्टाइल रख लोगे जो कि वो भी एकदम पॉइंटी पॉइंटी हो गया, तो बहुत ज्यादा ना स्ट्रक्चर दिखता है फेस, वो टक 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 एकदम वैसा दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।